भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित बंगाली टोला से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जूठे बर्तन नहीं धोने पर मां की डांट से नाराज होकर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल घटना का पता सुबह तब चला जब परिजन जागे और देखा कि ज्योति का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका हुआ है। बताया जा रहा है कि ज्योति, जो केदारनाथ सिंह की सबसे छोटी बेटी थी और 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, ने उसने यह कदम तब उठाया जब उसकी मां तारा देवी ने उसे शाम में डांटा था। वहीं पिता एक गैस एजेंसी में डिलीवरी का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बेटी के इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है। इसके बाद परिजनों ने शव को फंदे से उतारने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घटना हुआ, मम्मी थोड़ा डांट दिया था 10 बजे के आसपास रात में। जी, रात में खिलाया पिलाया हम लोग को, वो भी खाया पिया, गाय का घाटा बनाया, उसके बाद हम भी सो गए, वो भी सो गया मम्मी उसका। उसके बाद सुबह हम उठते हैं गाय को लगाने के लिए, तो घाटा उसी रूम में था, तो आवाज़ देते देते थक गए, तो उसका मम्मी भी आया, वो भी आवाज़ दिया, तो नहीं बर्दाश्त हुआ, तो हम देखें कि पंखा नहीं चल रहा है, तो हमको कुछ सस्पिशन बुझाया, हम वेंटिलेटर पे चढ़ करके झाँकें तो देखते हैं कि पंखा से लटका हुआ था मेरा बेटी। क्या कारण है, काहे से ऐसे? थोड़ा बर्तन दिन का था, रात का था, वही नहीं धोया हुआ, इसी कारण से। कोई मारा पीटा भी नहीं है जो कि चलो गुस्सा से आत्महत्या कर लिया, बस डांटा था, बस इतना ही सब आते हैं। भागलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे जिले भर में धूमधाम से मनाया गया, साथ ही श्रद्धालुओं के बीच जन्माष्टमी त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया। वहीं भागलपुर के अलीगंज स्थित राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी में भी यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसके बाद मेयर ने अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी में भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से सैकड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं समाज सेवी संतोष झा ने इस अवसर पर कहा कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और कल ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि भंडारे में शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। और आज हम लोग अलीगंज में जो है राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी में जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, जिसमें संध्या भजन संध्या का कार्यक्रम है यहाँ पर, और हम लोग जो है इस कार्यक्रम को काफी धूमधाम से मनाते हैं। और कल हम लोग भंडारा कर रहे हैं और सभी भागलपुर वासियों से निवेदन है कि इस भंडारा में शामिल होकर इस पर्व को सफल बना दें। भागलपुर जिले में बाढ़ के दौरान पशुपालन विभाग बिहार सरकार द्वारा पशुपालकों को व्यापक सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता के तहत पशुओं के लिए सूखा चारा, आवश्यक दवाएं और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मंगलवार को भागलपुर हवाई अड्डा परिसर में पशुपालकों के बीच सूखा चारा वितरित किया गया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बुद्धूचक और गोपालपुर के आसपास के इलाकों में पशु चिकित्सकों ने भ्रमण कर पशुओं की जांच की और उन्हें आवश्यक इलाज और दवाएं दी। वहीं गोपालपुर के पचगछिया में पंजीकरण शिविर भी आयोजित किया गया, जहां पशुपालक अपने पशुओं का पंजीकरण करा रहे हैं ताकि उन्हें समय समय पर इलाज और अन्य सुविधाएं मिल सके। इधर पशुपालकों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सकों को पशु सेवा अंकित जर्सी उपलब्ध कराई गई है, जिनसे उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा की जा रही इन व्यवस्थाओं से भागलपुर जिले के पशुपालक काफी संतुष्ट और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर स्थित रामपुर में राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी में साई जन्मोत्सव के उपलक्ष में एक भव्य भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। दरअसल इस आयोजन की विशेषता यह थी कि यह कार्यक्रम लगातार 14 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है।
वहीं अरविंद आनंद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बाहरी कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए, साथ ही नृत्य नाटिका का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें कृष्ण और सुदामा के चरित्र को जीवंत किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने नाटक के दौरान सुदामा के चरित्र को विशेष रूप से सराहा है। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भागलपुर के घंटाघर स्थित साईं मंदिर में साईं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। सोमवार को निकाली गई भव्य पालकी शोभा यात्रा में भी हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति बनी रही। वहीं साईं जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष और सचिव ने जानकारी दी कि इस आयोजन को लगातार 13 वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस वर्ष भी भंडारे में 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि भंडारा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चला, जिसमें महिला और पुरुषों की भारी भीड़ देखी गई। आज का प्रोग्राम है, कल पालकी यात्रा निकला था साईं यात्रा, और आज भंडारा है। पूरी बुनिया सब्जी हर साल की तरह इस साल भी सारा व्यवस्था किया गया है। महिला का कतार अलग है, जेंट्स का कतार अलग है। शांतिपूर्ण से प्रसाद वितरण हो रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, शाम के 6 बजे तक प्रसाद वितरण होगा। जब तक लाइन में रहेगा तब तक प्रसाद उनको मिलता रहेगा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित बुआलपुर गांव में संत निरंकारी मंडल द्वारा एक दिवसीय संतमत सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश से आए संत निरंकारी के केंद्रीय प्रचारक सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी उपस्थित थे। उन्होंने अपने उपदेश में आपस में भाईचारा बनाए रखने और धर्म की रक्षा करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में संत निरंकारी बहन सुनीता कुमारी और शिवानी कुमारी ने ज्ञान भजन की प्रस्तुति दी, जिसे श्रद्धालुओं ने काफी सराहा। इस दौरान संत निरंकारी के सदस्य दिनेश मंडल, दशरथ कुमार, शिव कुमार, मुन्ना कुमार, गुलाबी मंडल और अन्य ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का मिशन है और ये संत निरंकारी मिशन मानवता का संदेश देता है। हर मानव मानव में भाईचारा हो, कहीं कोई किसी से बैर तकरार ना हो, सब मिलजुल करके रहें और एक ईश्वर एक परमात्मा की सभी संतान हैं, यह बोध कराता है। और हम जब एक ईश्वर की संतान हैं तो फिर हमारे मन के अंदर भेद नहीं हो सकता। यह ज्ञान सद्गुरु के कृपा से दिया जाता है और यही बोध कराया है, ये निरंकारी मिशन का काम। भागलपुर के पूरनमल बाजोरिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगाकोठी चंपानगर में आगामी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक संस्कार भारती बिहार प्रदेश द्वारा अंगिका कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दरअसल इस उत्सव की रूपरेखा तैयार करते हुए आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर राजेश गोयल ने आयोजन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया जाएगा और अंग क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोग इसमें भाग लेंगे। कला उत्सव में गायन, वादन, खेल, नाटक आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषक डॉक्टर मीरा झा, राजेश पांडे, राजेश कुमार, निरंजन शाह, निशांत राज, अभिषेक आनंद, पारस कुंज और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। भाषाई संस्कृति जो हमारी असमृद्धि की ओर है, उसको समृद्ध करने के लिए इस तरह के कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में अंगिका भाषा की समृद्धि, अंगिका बोलचाल की समृद्धि के निमित्त भागलपुर में अंगिका कला उत्सव का आयोजन होना है। नरगा में पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उस परिसर में आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 10 जिलों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, जहां अंगिका बोली जाती है, अंगिका का क्षेत्र है, जहां अंगिका पर शोध हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। अंगिका की जो अपनी कला है, अंगिका की अपनी जो समृद्धि है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लेख हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो अंगिका बेस्ड भोजन है, व्यंजन है, नाटक है हमारे,
उन समूह सभी पर दो दिनों में विविध सत्रों पर कार्यक्रम आयोजित है। कवि सम्मेलन हमारे यहाँ अंगिका कवि सम्मेलन होना है। इसके अलावा अंगिका की समृद्धि के लिए कई संगोष्ठियां छोटे छोटे दलों में होनी है हमारे बीच। बांका मरपुर थाना क्षेत्र के कुसमाहा पंचायत के मेनमा गांव में मटकी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया है। मंगलवार की सुबह दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। हमलावरों ने पहले युवक को खंभे से बांधकर उसकी बुरी तरह पिटाई की, फिर दो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान शंभुगंज थाना क्षेत्र के खानगा निवासी दयानंद सिंह के रूप में हुई है, जिसका शव वकील दास के घर के सामने पाया गया है। वहीं गांव में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग अपने घरों में ताला बंद कर फरार हो गए हैं। मृतक के परिजन किशन सिंह ने बताया कि दयानंद सिंह बलराम यादव के सीमेंट की दुकान में ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्यरत था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष पंकज कुमार, दरोगा राहुल सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद बांका SDPO विपिन बिहारी, शंभुगंज थाना प्रभारी और प्रशिक्षु DSP सिया भारती भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से खून के नमूने को जब्त किया है। SDPO ने बताया कि मठ की विवादित जमीन को लेकर कई वर्षों से यह विवाद चल रहा है, जिसमें पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विवाद का समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। मरपुर थाना क्षेत्र में मैनमा गांव में आज सुबह 6 बजे के आसपास की घटना है। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो विवाद का मुख्य कारण है वो जमीन का विवाद है, जो है दो पक्ष के बीच में पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। खासकर जो मैनमा गांव में मत का जमीन है उसको लेकर कई विवाद चल रहा था। इसके लिए उससे पहले भी जो है जिला प्रशासन को लिखा गया है और इस बार जो हम लोग ये कर रहे हैं कि उसका एक स्थायी निदान जो है जमीन का जो है स्थायी निदान निकल सके, ताकि दोनों पक्ष के बीच में जो विवाद चला आ रहा है उसका समाधान स्थायी रूप से हो सके।